रीवा वासियों को अभी कुछ दिन पूर्व ही नए फ्लाईओवर की सौगात मिली है। वहीं बहुत जल्द रीवा सहित विंध्य वासियों को एक और खुशखबरी मिलने जा रही है। बता दें कि लंबी प्रतीक्षा के बाद रीवा के एयरपोर्ट से ATR-72 उड़ान भरने जा रहा है। चार दिन पहले लाइसेंस की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। लाइसेंस मिलते ही रीवा एयरपोर्ट में उत्साह का माहौल देखा गया है। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। वहीं रीवा एयरपोर्ट के लोकार्पण की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। 29 सितंबर को लोकार्पण होने की संभावना है, जिसके बाद रीवा से हवाई सेवा का शुभारंभ हो जाएगा। पुलिस मुख्यालय भोपाल से 5 सितंबर को जारी पत्र के बाद IG रीवा जोन महेंद्र सिंह सिकरवार ने एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर पुलिस लाइन रीवा में एडिशनल SP के नेतृत्व में निरीक्षक, उपनिरीक्षक सहित प्रधान आरक्षक व आरक्षक सहित आधा सैकड़ा से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को नवनिर्मित एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था सौंपी है। IG ने संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का प्रभारी ASP विवेक कुमार लाल को बनाया है, जिनके सहायतार्थ मऊगंज सूबेदार अमित विश्वकर्मा को दिया गया है। इसी महीने एयरपोर्ट का लोकार्पण किए जाने के बाद ATR-72 उड़ान भरने के लिए तैयार होगा। इसका रूट चार्ट तैयार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक अभी यह उड़ान सेवा रीवा और भोपाल के लिए शुरू होगी। इसके बाद विस्तार किया जाएगा। एयरपोर्ट का लोकार्पण वर्चुअल रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हम आपको बता दें कि रीवा से एयरपोर्ट का संचालन शुरू किया जाना है। इसने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती यहां के लिए कर दी गई है। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार ने 45 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी इस कार्य के लिए लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम स्वाति है और आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स।